Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my second roast. अब देखिए मैं जैसे मैंने जो बेबी का वाला सॉन्ग था उसको जब मैंने रोस्ट किया था तो जब मैंने उस सॉन्ग को रोस्ट किया था तो वो सॉन्ग मैंने पहले 3 से 4 बार सुना ही हुआ था, तो उसमें रोस्ट करने में इतना मज़ा नहीं आया था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था ओके है ना। देन क्या हुआ, असल में आज ना मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें मैं ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो देख रही थी, तो उसमें जो है ट्रिगर्ड इंसान अपने क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे नॉर्मली, मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनके आंसर दे रहे थे। एक क्वेश्चन आया, आपका सबसे वर्स्ट सॉन्ग कौन है और सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा है। तो उसमें उन्होंने बोला कि बेस्ट सॉन्ग जो है अरिजीत सिंह का कोई भी उठा लो एंड वर्स्ट सॉन्ग में नाच के पागल ऑफ ढिंजक पूजा। तो अभी आज जस्ट 2 मिनट पहले मैं देख रही थी, मैंने सोचा भाई चलो इसी सॉन्ग को रोस्ट करते हैं, अब देन मुझे कंटेंट भी मिल गया, ठीक है चलो रोस्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ये ऐड तो सभी लोग देते हैं भाई, मुझे गुस्सा लगती है सर। बच्चे की पहली पसंद जीतेगा वो जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाच के पागल ये भूत और स्पाइडरमैन का क्या रिश्ता है मेरे को बताना, ठीक है क्या संबंध है इन लोग में, कमेंट नाच के पागल ये कमेंट करता पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। गाइस इसकी तो स्टार्टिंग देख के मेरा मूड खराब हो गया, ओह माय गॉड ये कैसा सॉन्ग है भाई, नाच के पागल हो जाओ। अगर पूरे गाने में ऐसे चलेगा ना मेरा दिमाग खा जाएगी। अरे नाच के पागल। ये सब मेरा स्कूल की छुट्टी मारो और ट्यूशन तुम मत जाओ, पान की दुकान खोलो और सबको चूना लगाओ, रात को तुम जागो और दिन में तुम सो जाओ, होली पे पटाखे फोड़ो और दिवाली पे सबको नहलाओ, मुंह पे थप्पड़ मारो और पूल में डुबकी लगाओ। देखिए गाइस पहली बात जो ढिंचक पूजा है ना उसको गाना तो बनाना ठीक ठाक आता है, मतलब ठीक ठाक से भी वर्स्ट। तो गाइस देख सकते हैं जो ढिंचक पूजा है हम लोग की उसके गाने इतने वर्स्ट होते हैं। अच्छा सबसे पहले बताओ मेरे चैनल को किस किसी ने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो जल्दी से करो, किसका किस चीज़ का वेट कर रहे हो ओके। तो जैसा कि ढिंचक पूजा का ये सॉन्ग है इसकी एंट्री मेरे को इतनी गंदी लगी, तो मेरा ब्रेन एकदम आप समझ सकते हो कितना मूड ख़राब हो चुका है। पर इससे पहले कि मेरा अकेले मूड ख़राब हो जाए आप लोग मेरे साथ साथ अपना मूड ख़राब करो। देखो गाइस ढिंचक पूजा के सॉन्ग में कोई मीनिंग नहीं होती, पहली बात फर्स्ट पॉइंट है ना, मतलब चाहे जो भी राइमिंग मिले उसको वो उसी को मतलब डाल देती है अपने सॉन्ग में चाहे जो राइम मिले। तो गाइस इस चीज़ के लिए आई एम सेइंग यू, इस चीज़ के लिए प्लीज़ कमेंट में वोट करिएगा। चलिए कमेंट छोड़िए, चलेगा कमेंट्स छोड़ दीजिए, लाइक करके वोट करिए कि इस चीज़ को कौन कौन मानता है, इसमें मीनिंगफुल गाना ही नहीं है और इसको जो भी राइम मिलती है वो सिर्फ राइम कन्वर्ट कर देती है, गाने का कोई मीनिंग नहीं है ओके। तो फिर से देखते हैं हम लोग गाना।
ये कौन सा स्टेप है ये? पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ। जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ। अरे नाचने पागल अपने खींचो और नेट पर तुम चढ़ाओ। अरे नाच के पागल, बहुत गंदा सॉन्ग। अरे नाच के पागल। सो गाइस, डिड यू नो दैट यू विल नाउ गेट अ बाय वन गेट वन ऑफ ऑन हेल्थी फाइव प्रो। गाइस पूरा सॉन्ग बहुत ही गंदा था, मतलब इस सिर्फ ये एक मिनट का सॉन्ग था। आई बिलीव इन दिस। इस एक मिनट के सॉन्ग में भाई साहब सिर्फ एक ही लिरिक्स थी, नाच के पागल हो जाओ, नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया चद्दर तान के सो जाओ, बस और कोई वो नहीं थी। अब बताइए, नाच के पागल हो जाओ और जहाँ भी मिले खटिया तान के सो जाओ, दैट इज़ अ कोई मीनिंग? इसका कोई मीनिंग है? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।